गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर लिखना सिखाऊंगी। तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं योर कज़न, क्योंकि ये लेटर कज़न को लिखना है इसलिए ये इनफॉर्मल लेटर होगा। आप जब भी अपने फ्रेंड्स या कज़न को या सगे संबंधों या रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर कहलाता है, जिसे हिंदी में हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। है स्टॉप द क्लास इन द फाइनल एग्जामिनेशन, तो कज़न को लेटर लिखना है जिन्होंने टॉप करा है अपने फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स, तो वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है, 120 वर्ड्स में फिनिश करना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर, यानी आप उनको बधाई देंगे, हिम या हर यानी वो ही भी हो सकता है और शी भी, ऑन द सक्सेस उनकी सफलता पर। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे, जिसमें एड्रेस लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है 34 बुधवार P2 पुणे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। याद रखना है फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा जाता है। अब एक लाइन छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है, जिस पे आप लोग डेट डालेंगे। डेट हमेशा याद रखना है कि आज की डलती है, जो भी आज की डेट होगी। जैसे यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले डेट फिर मंथ, मंथ का पूरा नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है AUGUST अगस्त, और कोमा डालते हुए ईयर 2023, 19 फरवरी को लिखने के लिए 12 की जगह 19 लिखा जाएगा, अगस्त की जगह फरवरी पूरा FEBRUARY और ईयर 2023 लिख करके छोड़ देंगे। आप भी अपने एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। अब एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग अपने कज़न का नाम लिखेंगे, जो भी कज़न का नाम है, डियर पर। अब एक लाइन छोड़ते हुए लेटर को लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है वी वर सो ग्लैड, यानी हमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई, ग्लैड मीन्स खुशी, ऑफ योर सक्सेस इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आपके फाइनल एग्जामिनेशन की सफलता पर, सक्सेस पर, उसे सुन करके बहुत खुशी हुई। इट फील्स सो प्लीज डेट आई विश, यानी ये मेरे लिए और भी खुशी का मौका होता, व्हेन आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट पर्सनली, जब मैं आपको पर्सनली यहाँ पर विश करती तो ये और भी ज़्यादा खुशी का मौका होता। अब एक लाइन छोड़ते हुए दूसरा पैरा शुरू करना है, द रिज़ल्ट हैज़ प्रूफ, यानी रिजल्ट ने, परिणाम ने प्रूफ करा है कि हार्ड वर्क ब्रेक गुड रिज़ल्ट, जो हार्ड वर्क करते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा रहता है। योर सक्सेस इज़ ड्यू टू गॉड ग्रेस, तो ये जो आपकी सफलता है वो गॉड के कृपा की वजह से, एज वेल एज़ योर हार्ड वर्क और तुम्हारे मेहनत की वजह से, और टाइमली गाइडेंस ऑफ योर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस की वजह से है। अब आगे बोला गया है प्लीज़ गाइड योर सिस्टर ऑल्सो, यानी अपनी सिस्टर को, बहन को भी ऐसे गाइड करें, ऑल्सो टू ओवरकम हर एग्जामिनेशन फेयर, उसके एग्ज़ाम को लेकर के डर को एंड प्रिपेयर वेल, यानी उनकी भी जो तैयारी है वो अच्छी तरह हो। कीप इट अप, इसे जारी रखो, आई होप यू विल प्रोस्पेर एट एवरी स्टेप इन लाइफ, यानी मुझे उम्मीद है तुम इसी तरह लाइफ में जो भी तुम्हारे स्टेप होगा वो प्रोस्पर होगा, यानी समृद्धि की तरफ होगा, डेवलप की तरफ। यू विल बी ग्रेट एसेट टू योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए एक ग्रेट संपत्ति हो, और मोर ओवर टू दिस नेशन, और अपने राष्ट्र, अपने नेशन की भी। अब एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ लिखा जाएगा माई पेरेंट्स हैज सेंट यू लॉट्स ऑफ लव, जो मेरे फादर हैं वो तुम्हें ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्राइट परफॉर्मेंस, और दिल से बधाई ऑन योर ब्राइट परफॉर्मेंस, तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। अब एक लाइन छोड़ते हुए लिखा जाएगा बेस्ट विथ बेस्ट विशेस, यानी एक अच्छी विश के साथ, योर्स लविंगली, एक लाइन छोड़ते हुए जो हर इनफॉर्मल लेटर में कॉमन रहता है। अभी एक लाइन छोड़ते हुए अपना नाम,
जिसे यहाँ लिखा गया है AK जैन। आप अपना नाम या कोई भी नाम लिख कर के छोड़ सकते हैं, लेकिन यह नाम लिखना कंपलसरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेटर होता है कंप्लीट।